जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। जो आज बुधवार, पितृपक्ष का बुधवार, बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण बुधवार है। आज की रात्रि में आप, मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जो है करके यदि आपके जीवन में धन की कमी है, सुख समृद्धि नहीं है, कोई ऐसा मानसिक तनाव जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा हो, कोई बीमारी या और कोई समस्या, धन आता बहुत है, अच्छा जितना चाहिए आपको, पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन है, पैसा है, लेकिन आप उसका पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्चों में खर्च हो जाना, या कोई ना कोई चिंता, फिकर, टेंशन, यदि ये इस तरह की परेशानियाँ चल रही हैं, तो जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है, और पितृपक्ष वैसे ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है इन छोटे छोटे उपायों को करने के लिए। और बुधवार का दिन, बुधवार या रविवार, आप यह उपाय कर सकते हैं और इसका तुरंत आपको प्रभाव देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ये उपाय कर लिया तो आपको बिना कुछ करे पैसा आने लगेगा, धन आने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आपको रास्ते ज़रूर नजर आने लगेंगे, भाग्य प्रबल होने लगता है। जो यदि हमारे भाग्य में कुछ ऐसा समय चल रहा है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, हमारी सफलताओं में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आ जाता है, बीच में रुकावट आ जाती है कि वह असफलता में बदल जाती है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप ये उपाय करके, और उपाय इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बस आप लगन से करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि मैं जो उपाय बताती हूँ उसमें सभी घर की वस्तुएँ, घर का कार्य और थोड़ा सा समय आपको देना होता है, और उसके बाद, क्योंकि, और मैं वही उपाय बताती हूँ। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने वीडियो द्वारा वही उपाय बताती हूँ जो मैंने खुद आजमा के देखे, या मेरा सबसे ज़्यादा जो करीबी है उसके द्वारा करवा के देखे, उससे मुझे लगा कि हाँ, फ़ायदा अवश्य होगा, तो मैं आप लोगों से इसके लिए उपाय बताकर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का भी जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, सुख समृद्धि आप लोगों के घर भी आए। सभी जानते ही हैं कि नमक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमक यानी जो यदि हमारे पास नहीं है तो हमारे जीवन का नमकीनपन ही समाप्त हो जाएगा। हम मीठे बिना एक बार रह सकते हैं, कुछ समय निकाल सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी के चलते मीठा नहीं खा पाते हैं, लेकिन नमक बिना असंभव। आप एक दिन यदि बिना नमक वाला व्रत करते हैं, अलूना व्रत करते हैं, उस दिन आप देखना आपके अंदर शक्ति ही नहीं लगेगी, आप शक्तिहीन महसूस करेंगे, या आप कितना भी कुछ खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। नमक हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी, और नमक में ऐसी शक्ति है जो कई अदृश्य दुष्ट आत्माएं आपके पास यदि आसपास बेचर भी रही हैं तो उनको आपसे दूर करने की उसमें क्षमता है। नमक ऐसी शक्ति है जो आप में सिर्फ पॉजिटिविटी ही लाती है, नेगेटिविटी नहीं लाती। जैसे मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया कि यदि आप प्रतिदिन नहीं तो तीन दिन में एक बार नहीं तो साप्ताहिक, यदि अपने पोछे के पानी में एक चम्मच नमक डालकर पोछा लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं रहेगी, और धन का अपव्यय नहीं होगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी। नमक से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं ये। नमक के अंदर मौजूद आकर्षण के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार और इसके उपाय करने से जीवन की कई समस्याओं का अंत होता है। यदि आप अपने मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में थोड़ा सा खड़ा नमक, जो साबुत नमक आता है डली वाला, बाजार में आसानी से मिल जाता है, आप यदि लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर यदि बांधते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और यदि आप कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर इसे टांगते हैं तो कभी आपको मंदी का सामना या नुकसान का सामना, बहुत कम रेयर केस में ही ऐसा होगा कि आपको किसी चीज़ में नुकसान हो जाए या मंदी हो जाए, क्योंकि नमक ऐसा एक प्रबल अपने आप में योग रखता है कि हमेशा आपको लाभ की ओर ही ले जाता है।
ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि कांच की कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा 4-5 डली खड़ा नमक रखकर, और आपको कांच की कटोरी में ही रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने बाथरूम में रखें और 15 दिन बाद या सप्ताह भर में एक बार आप उसे उठाकर और फ्लश आउट कर दें। दूसरा नमक रख दें, इससे आपको मन की शांति होगी, सुख शांति समृद्धि सभी आपके घर में प्रवेश करेगी। लेकिन हाँ, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि इसे 15 दिन में एक बार अवश्य बदलना होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी दिन आपके बहुत ज़्यादा हाथ पैर दुख रहे हैं या किसी की नज़र लग रही है, कोई ऐसी आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि कोई घटना होने वाली है, असमय कोई दुर्घटना होने के चांसेस आपको लग रहे हैं, भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप चुटकी भर नमक ले लें, अपनी मुट्ठी में बांध लें और सीधे हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार उबार लें और उसे किसी पानी में फेंक दें। चुटकी भर ही लेना है और पानी में फेंकना है। अब देखना आपकी थकान दूर होने लगेगी, आपके ऊपर से जो भी नज़र हुई है या किसी की गलत नज़र आप पर पड़ गई है तो वो दोष दूर होकर और आपका शरीर अपने आप में एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। कभी कभी हमको होता है कि हम अचानक से ही अपने मन में उदासीनता का भाव आ जाता है या कुछ गलत सोच हमारे दिमाग में पलने लगती है, हमें अपने प्रति ही कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, और हम उदास से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई कुछ दूसरी शक्ति ही हमारे ऊपर कार्य कर रही है। यदि ऐसा हो तो आप बिल्कुल ये चुटकी भर नमक वाला अवश्य आजमा कर देखें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो एक डली नमक की लेके मुट्ठी में बांधकर 7 बार उबार कर और सड़क पर फेंक कर, उससे भी यदि चौराहा है आपके घर के आसपास तो वहाँ फेंक दें। आप देखना, एक करते ही तुरंत ही आपको शारीरिक रूप से आपको अपने आप में एक उत्साह नज़र आने लगेगा, एक खुलापन दिखने लगेगा। दोस्तों, अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये आप एक तरह से नमक में कितनी शक्ति होती है ये आजमाने के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, बात बात में झगड़ा, बात बात में क्लेश, धन यदि है तो गलत रास्तों पर जा रहा है, नहीं है तो उसके कारण क्लेश, यानी एक तरह से मान लीजिए कि आपको लगने लगा है कि मेरा जीवन दुभर है। कई बार क्या होता है कि हमको अपने जीवन से ऐसा उदासीनता छा जाती है कि ऐसा लगता है अब तो ये जीवन समाप्त हो जाए तो अच्छा, लेकिन नहीं, आपको ऐसी सोच नहीं बनानी है। जो मैं उपाय बता रही हूँ बिल्कुल अवश्य कर देखें, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। आप एक कांच का गिलास ले लें, रात्रि के समय करना है, सोते समय करना है, बुधवार या रविवार, इसमें से कोई से भी बार को कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा परेशानी है तो 7 बार में से कोई से भी बार कर सकते हैं। जैसे मैं यदि दिनों का आपको बांधूं कि नहीं बुधवार या रविवार ही करना है और आपको परेशानी शुक्रवार को हो रही है, तो आप उस समय सोचना पड़ेगा आपको कि जब रविवार आएगा तब करना है। लेकिन नहीं, ज़्यादा आपको किसी दिन ऐसी परेशानी आने लगे तो आप यह किसी भी बार को कर सकते हैं। आप रात्रि में जब सोने लगें तो एक गिलास, कांच के गिलास में बिल्कुल साफ स्वच्छ जल भर लें, उसमें 1 चम्मच नमक, वह भी साफ और सफ़ेद होना चाहिए, अच्छा नमक ले लें, चम्मच से घोल कर और कांच के गिलास में अपने सिरहाने आप इस तरीके से रखें कि आप रात को आपके हाथ के टल्ले से गिर ना जाए आपके ऊपर, आप थोड़ा दूर रखें, बस सिरहाने होना चाहिए। सुबह उठें, जब आप सुबह उठकर देखेंगे यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, कोई ऐसा लग रहा है कोई दुष्ट शक्ति आपके घर में है, तो नमक के जो पानी है उसका रंग कुछ आपको मटमेला सा, कुछ अजीब सा लगने लगेगा, और यदि बिल्कुल वाइट है, जैसा आपने छोड़ा हुआ था वैसा ही है, तो फिर आपके घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये आप कर सकते हैं, ये एक तरह से आप अपने आप में एग्जाम ले सकते हैं कि आपके घर में ऐसा कुछ है क्या। और यदि आप ऐसा करके फिर जब सुबह उठेंगे उस जल को, उस पानी को आप सड़क पर फेंक दें। आप सप्ताह में एक बार अवश्य ये कार्य करें, इससे जो आपके अंदर कुछ चल भी रहा है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, वो परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। और यदि आप अपने सिरहाने नहीं रखते हैं, घर में लगता है आपको अपने साथ कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो जो सबसे पूर्वी उत्तर का सबसे अंधेरा कोना, जो रात को लगता है कि बिल्कुल अंधेरा, एकांत, यहाँ कोई सुबह तक नहीं जाएगा, वहाँ आप इस कार्य को करके रख दें। कांच के गिलास में 1 चम्मच नमक डालें, पानी डालें, घोल कर और रख दें। सुबह उठकर किसी चौराहे पर ले आके फेंक दें। ये भी आपको वीकली
करना होगा। एक सप्ताह में एक बार, बुधवार को करें या रविवार को करें, और कर कर देखें। आप देखेंगे जो धन का आगमन रुक गया है, पैसे की तंगी होने लगी थी, या कोई भी समस्या आपके जीवन में आपको परेशान करे जा रही थी, खाए जा रही थी, वह समस्याएं दूर होने लगेंगी। आपको अपने आप में लगने लगेगा कि नहीं, कुछ अच्छा होने लगा है मेरे साथ, मेरे परिवार में कुछ सब एक आपको पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा 100%। कर देखें, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि मैं आज के लिए कहूँगी ये बोनस टिप्स है तो भी कम होगा। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।